उसकी और मेरी बात हो रही थी, अचानक हमारी किसी बात पर लड़ाई हो गई। उसने मुझसे नाराज होकर बात करना बंद कर दिया, यहाँ तक कि उसने मेरा नंबर भी ब्लॉक कर दिया। ऐसा पहले भी कई बार हो चुका था, लेकिन कुछ दिनों बाद हमारी सुलह हो जाती थी। लेकिन इस बार एक अजीब सी बेचैनी थी, क्योंकि मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि इस बार वो मुझसे नाराज़ नहीं हुई, बल्कि वो मुझे छोड़ गई है। मैंने उससे रابطہ करने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन उसका नंबर बन जा रहा था। जब मुझे कोई हल ना मिला तो मैंने उसके घर जाने का सोचा, यानी उसके गांव। फिर मैं कई घंटों के सफ़र के बाद उसके गांव पहली बार पहुंचा और उसके बारे में पता करने की कोशिश की, तो मुझे पता चला कि 2 दिन पहले उसकी शादी हो चुकी है। ये सुनते ही मेरे पैरों तले जमीन निकल गई, मेरे हाथ पांव सुन हो गए थे, मेरा दिमाग भी बिल्कुल सुन हो गया था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ऐसी सिचुएशन में मैं करूं तो करूं क्या, क्योंकि 3 दिन पहले तो हमारी लड़ाई हुई थी और लड़ाई के अगले दिन ही उसकी शादी कैसे मुमकिन हो सकती थी। तब मुझे समझ आया कि उसने मुझसे लड़ाई जानबूझकर की थी, क्योंकि वो किसी और से शादी करने जा रही थी और वो ये नहीं चाहती थी कि मैं उसे बेवफा समझूं, इसलिए उसने मुझसे लड़ाई करके नंबर बंद कर दिया था, ताकि मुझे यही लगे कि वो मुझे मेरी ज़ाती गलती की वजह से छोड़कर चली गई। लेकिन मैं हैरान इस बात पर हूँ कि हमारा रिलेशन 2 साल तक रहा और मुझे कहीं से भी नहीं लगा था कि वो मुझसे मोहब्बत नहीं करती या फिर एक दिन मुझे ऐसे धोखे से छोड़ जाएगी। आज मैं जिस दर्द और तकलीफ से गुजर रहा हूँ, ये मैं जानता हूँ या मेरा खुदा जानता है। उसने तो अपना घर बसा लिया, लेकिन मेरा क्या, जो हजारों ख्वाब एक साथ देखे थे, उन ख्वाबों का क्या? कोई मजबूरी थी या फिर घर वालों का प्रेशर था, आखिर मुझे बताकर चली जाती, लेकिन मेरे साथ ऐसा गंदा खेल खेल कर तो ना चाहती कि जिसके बाद मेरी सारी जिंदगी असीयत में गुजरे। सच कहूँ तो बात सारी फितरत और ईमानदारी की होती है, और मुझे लगता है कि उसकी फितरत में ही बेईमानी थी, वरना ईमान वाले लोग धोखेबाज नहीं होते।